हेलो फ्रेंड्स, 2 महीने बचे हैं कैट के, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे टफ सेक्शन कैट का कौन सा है, ठीक है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल कम आउट विद एन आंसर, सर DILR मेरा सबसे बड़ा टफ है, ठीक है, या आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर क्वांट मेरे लिए सबसे बड़ा टफ है, ठीक है, वेरी फ्यू ऑफ यू विल गिव मी दिस ऑनेस्ट आंसर कि सर VRC मेरा वीक है और ये मेरा सबसे टफ सेक्शन है। क्यों ऐसा होता है, क्यों आपको लगता है कि भाई VRC आपका टफ सेक्शन नहीं है? प्राइमरली यू कैन से बिकॉज आप बहुत ऑनेस्ट, यू कैन से ऑनेस्टी दिखाकर एफर्ट नहीं डाल रहे दोस्तों। VRC में है ना, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे हो, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे थे आपका कभी भी DILR और क्वांट में 40 के ऊपर स्कोर नहीं आया, और VRC में आपसे काफ़ी टाइम 40 के ऊपर स्कोर आ गया, ठीक है, तो आपको लगता है कि बड़ा मस्त है, आई एम एबल टू रीच 240+, यू आर एबल टू सॉल्व 24 में से 16, 17, 18 क्वेश्चन जितने आप कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। क्वांट में और DILR में आप उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? बिकॉज वहाँ पे आपको एकदम प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव वे में आंसर चाहिए, है ना, और वो आंसर आपको मिलता नहीं है। और VRC में आपको आंसर ना भी मिले तो 4 ऑप्शन में से आपको जो अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, विच मीन्स VRC इज नॉट टॉप ऑफ द माइंड एनी टाइम टू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आप 99% के ऊपर लाना चाहते हैं, है ना, सोचिए 99% के ऊपर, 95% के ऊपर, 90% के ऊपर, दोस्तों हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है विच इंक्लूड्स VARC एज वेल, ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज मैं आज आपको देना चाहता हूँ कि VARC में आपको किस तरीके की मेहनत करनी है, ठीक है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या आपके मन में कोई फ्रेमवर्क, कोई अप्रोच होना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आखिरी 2 महीनों में आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। दोस्तों ये बड़ा क्लियर मैसेज है मेरी तरफ से कि VARC एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग सेक्शन है, जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है, पर मेरा मानना है कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम नहीं करते, और इसकी वजह से आपका 99.6% के ऊपर स्कोर नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं पहला पॉइंट समझने के लिए कि इस एग्जाम का नेचर क्या है, है ना, ये एग्जामिनेशन के अंदर सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स रीडिंग। यस, यू हैड इट राइट, कॉम्प्लेक्स रीडिंग। तो अगर आपका दिन में 1 घंटे से ज्यादा रीडिंग नहीं है तो भैया फायदा नहीं है। आप सिंपली बिकेन से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहते हो, और उसकी वजह से अगर आप सोचते हो कि मेरा इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। आपको कहीं ना कहीं वैरायटीज लेनी है। अगर आपने 2023 के पेपर उठा के देखे हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर पैसेजेस कैसे आए थे। उसके अंदर पैसेजेस आए थे डिटर्मिनिज्म के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिविज्म के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात हो रही थी। अब ये सब टर्म्स है ना किस तरीके से अप्लाई होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझना तो पड़ेगा ना। तो एक तरीके से सब्जेक्टिव नॉलेज, ठीक है, है ना, इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी, दैट इज नीडेड। और इसकी वजह से व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड दोज, यू कैन से कॉन्सेंट्रेटेड पैसेजेस विच आर अवेलेबल इन वेराइटीज ऑफ द मैगजीन्स। प्लीज डोंट पिक अप बुक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम कि अगर मैं एन मौके पर बुक पढ़ लूँ। मैं देख रहा था कि कोई बता रहा था कि एक आयन रैंड की किताब है फाउंटेन हेड, वो पढ़ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है पढ़ने में, ठीक है, पर अगले 2 महीने बचे, अगले 2 महीने के अंदर क्या मैं किताब ख़त्म करूं या मैं अलग अलग तरीके के वैरायटीज़ के टॉपिक्स को समझूं और उसके मुताबिक मैं अपनी तैयारी करूं, है ना, बेटर है कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग में काम करूं, ऑब्जेक्टिव फोकस के साथ काम करूं, ठीक है, और जो जो एक किताब है, किताब में एक चैप्टर टू चैप्टर ऐसे लंबे समय तक जाना और उसमें अगर मेरी ट्रेनिंग नहीं हो किताब पढ़ने की तो फायदा कारक नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू कैन से सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ाना, सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ाना, और वो सब्जेक्ट के नॉलेज को बढ़ाने के लिए यू विल हैव टू पिक अप, यू कैन से वेरियस आर्टिकल्स कमिंग इन वेराइटीज ऑफ द मैगजीन्स। इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो गया आपके लिए, ठीक है, या
फॉर एग्जाम्पल द गार्जियन हो गया न्यूज़पेपर, या वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, ठीक है, या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली हो गया. आई एम श्योर आज के ज़माने में टेलीग्राम के ऊपर ये बहुत आसानी से मिल जाता है, तो कोई पंगा नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले वेराइटीज़ ऑफ द सब्जेक्ट्स को जानो, और जो जो भी टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, ठीक है, प्लीज़ उसके लिए आप विकिपीडिया पे उसको डालें और उस बातों को समझे. ठीक है ना, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के पैसेजेस उठाइए और प्रीवियस ईयर के पैसेजेस में जिस तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज़ हुए, जो मेन आइडिया की पॉइंट यूज़ हुए, उन की पॉइंट को पकड़ो और उसके ऊपर काम करो, उसको विकिपीडिया पे डालो, उसको समझो और आगे बढ़ो. दैट इज़ नंबर वन. ठीक है, नंबर टू, रीडिंग करने का प्रोसेस क्या होगा. दोस्तों, रीडिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू ट्रेन योर आईज एंड योर ब्रेन. रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट. ठीक है, कि अपनी आंखों को और ब्रेन को कैसे कनेक्ट करते हो. दोस्तों, रीडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आप अगेन से एज सच अपने सामने स्क्रीन रखकर उसके सामने आप पढ़ाई कर रहे हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ट्रेन कर रहे हो और कैसे शांति से स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो. आपने देखा होगा कि ये जो पैसेजेस है, दे आर वेरी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, दे आर नॉट यू कैन से वेरी सिंपल पैसेजेस. आपको इसके अंदर एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, तब जाकर आप एक आइडिया डेवलप कर पाओगे. ठीक है, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो थोड़ा सा बोरिंग वीडियो हो सकता है, विच इज अबाउट यू कैन से व्हाट आर द वेरियस स्किल्स नीडेड फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, क्या आपके मन में वो स्किल्स की तैयारी के बारे में यू कैन से कुछ माइंडसेट है. हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा. दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. सो सबसे पहला पार्ट है एक रीडिंग का फ्रेमवर्क. शांति से पढ़ रहे, समझ रहे, यू आर नॉट जंपिंग, यू आर नॉट स्किमिंग थ्रू द पैसेजेस. स्किमिंग थ्रू द पैराग्राफ, स्किमिंग थ्रू द वर्ड्स विल बी अ बैड आइडिया. ठीक है, विल बी अ बैड आइडिया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. है ना, जिस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन का अपना महत्व है, उसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हर लाइन, हर शब्द का महत्व है, उसी के बेसिस के ऊपर पेपर सेट किया गया है. इज दैट वेरी क्लियर? सो प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ मेंटल मैप बनाइए. ये इंपॉर्टेंट है. है ना, अगले दो महीने सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे फोकस करिए कि पढ़ते पढ़ते मेंटल मैप कैसे बनाए. ठीक है, और पढ़ने के दौरान जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए. है ना, आपके मन में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि व्हेन यू आर रीडिंग यू शुड बी इन अ पोजीशन टू नो वेदर ऑथर इज प्रोवाइडिंग ओपिनियन और अ फैक्ट. ठीक है, एंड ऑथर किस तरीके से फैक्ट को लेकर कंक्लूजन तक जा रहा है, दैट इज इंफरेंस कैसे लेके आ रहा है. मतलब आपको पता होना चाहिए फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, क्या ऑथर ने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया, क्या ऑथर ने किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया है. ठीक है, दैट मीन्स उसका फैक्ट है, ओपिनियन है या कंक्लूजन है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और ये पता करने के लिए आपके पास कंट्रोल होना चाहिए कि ऑथर ने किस एटीट्यूड से चीजों को लिखा है, ऑथर ने किस टोन ऑफ वर्ड्स का प्रयोग किया है, और वो टोन ऑफ वर्ड्स और एटीट्यूड को आप देखकर, उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग को देखकर, ठीक है, आप ये इवेल्युएट पक्का कर पाएंगे कि ऑथर किसके फेवर में, किसके अगेंस्ट में. और बिलीव मी, है ना, ऑथर जिसके फेवर में और जिसके अगेंस्ट होगा ना, वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहां पे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लाइनों का प्रयोग किया गया होगा, जहां पे अगर आपने, है ना, अपने आप को ट्रेन नहीं कराए उस कॉम्प्लेक्स लाइनों को समझने के लिए, तब तक आप तो ये पक्का है कि आप ये कंक्लूजन में कभी नहीं पहुंच पाएंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट. ठीक है, सो दैट इज ओपिनियन है या फैक्ट है, ये जानना जरूरी है. है ना, और वहां पे जो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं वो आप पकड़िए, क्योंकि यही कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स आपको मदद करेंगे कि किस तरीके से आइडिया क्रिएट हो रहा है. सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स वाला जो दुनिया है ना, है ना, ये क्रूशियल है. है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस का मतलब बदल जाता है. ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा पार्ट. ठीक है, एक हो गया आपका इगेन से अच्छे से रीडिंग करना विदाउट स्कीमिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ. दूसरा हुआ रीडिंग के टाइम एक अच्छा फ्रेमवर्क होना. अब आता है तीसरा, जो सबसे क्रूशियल पार्ट है, विच इज कॉल्ड रीजनिंग ओरिएंटेड टू द क्वेश्चंस एंड इन द ऑप्शंस. ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, एंड देन दे लुक एट द ऑप्शंस, और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है ना, चार में से कौन सा बेहतरीन लग रहा है, उसको ढूंढने की कोशिश है. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज अ क्वेश्चन स्टेप. रिमेंबर दिस कैट इज ऑल अबाउट रीजनिंग इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, दैट इज रीजनिंग, और उस रीजनिंग को समझना जरूरी है. और रीजनिंग आती कहां से है? क्वेश्चन स्टेम देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है,
और क्वेश्चन क्या क्या करवाना चाहता है। तो पहले मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, पैराग्राफ के है ना मैं मेंटल मैप क्रिएट करूंगा, मेंटल मैप क्रिएट करने के बाद आई विल गो एंड ट्राई एंड सी व्हाट इज द क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन पढ़ के उसके स्टेम को समझकर मेरे मन में आंसर प्रेडिक्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं अपना ऑप्शन देखने जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं अपने मन में क्वेश्चन का आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं, उसके बगैर ही मैं अगर ऑप्शन देखने जाऊंगा, चांसेस बहुत ब्राइट है कि मैं उसको गलत कर दूंगा। प्लीज कीप दैट इन माइंड, ये गलती कभी नहीं करना। ठीक है, ये जनरली कभी भी कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करता है ना, उसको ये बातें नहीं बताई जाती, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि इस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें कि आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ का मेंटल मैप बनाएंगे, मेंटल मैप बनाने के बाद जब आप बहुत क्लियर हो गए मेंटल मैप के बारे में, देन यू गो टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर मन में प्रेडिक्ट करिए, एंड देन गो एंड सर्च द ऑप्शन। दैट इज अ फास्टेस्ट वे, दैट इज अ मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक वे टू सॉल्व एनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों आखिरी के दो महीनों में इन चीजों पे ध्यान देने से आप पक्का अपने वीआरसी के सेक्शन के ऊपर, जो आपको लग रहा था कितना टफ नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे और अपने स्कोर को ये पक्का है कि आप बढ़ा पाएंगे और कंसिस्टेंटली 40 के ऊपर स्कोर लेकर आ पाएंगे। तो कंसिस्टेंटली 40 के ऊपर स्कोर लाने के लिए इन मेथड्स का यूज करिए, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। ऑल द बेस्ट।